मैदान में उतरने से पहले देखिए विराट की वीडियो और 19 गेंदों में कर दिया खेल खत्म। महज 19 गेंदों में तय कर दिया अपनी टीम की जीत। सामने वाली टीम को कर दिया चारों खाने चित। रोमांचक मुकाबले में राधा यादव ने ऐसे लगाई विकेटों की झड़ी, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई पूरी टीम। WPL 2024 के 10वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 25 रनों से जीत मिली। बेंगलोर में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 8 विकेट पर 138 रन ही बना सकी। दिल्ली की जीत में अहम योगदान उसकी गेंदबाजों का रहा। जेस जोनाथन और राधा यादव ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट झटके। खास तौर पर राधा यादव ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में महज 20 रन दिए और 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। वैसे मैच के बाद इस गेंदबाज के बारे में एक दिलचस्प खुलासा भी हुआ। ये खुलासा विराट कोहली को लेकर था। मैच के बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी जेबी मार रॉड्रिक्स ने राधा यादव से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान खुलासा हुआ कि राधा यादव हर मैच से पहले विराट कोहली की वीडियो देखती हैं। राधा विराट कोहली के आक्रामक अंदाज भरे वीडियो देखती हैं और इसके बाद मैच में अपना बेस्ट प्रदर्शन करती हैं। राधा यादव से बात करते हुए जेमिमा ने पूछा, मैं राधा की YouTube हिस्ट्री देख रही थी तो मुझे टॉप सर्च में दिखा विराट कोहली एग्रेशन वीडियो, इसके पीछे क्या स्टोरी है? जवाब देते हुए राधा ने कहा, विराट कोहली भैया मेरे आदर्श और प्रेरणा है। हर मैच से पहले मैं उनकी वीडियो देखती हूं और जो मुझे बहुत प्रेरित करती है। राधा यादव ने सिर्फ 19 गेंदों में मैच की दिशा और दशा दोनों बदल दी। इस खिलाड़ी ने गुजरात के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। राधा ने सबसे पहले वेदा कृष्णमूर्ति का अहम विकेट लिया, इसके बाद वो कैथरीन ब्राइस का विकेट ले उड़ी, इसके बाद उनका तीसरा शिकार तनुजा कवर रही। ये तीनों विकेट उन्होंने 19 गेंदों के अंदर चटका दिए और इसके बाद गुजरात की टीम वापसी नहीं कर सकी। वैसे WPL के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन शानदार रहा। इस टूर्नामेंट में दिल्ली की टीम 4 में से 3 मैच जीतकर टॉप पर है। इस टीम के 6 अंक हैं और उसका नेट स्कोर भी +1.251 है। मुंबई इंडियंस की टीम भी 4 में से 3 मैच जीत चुकी है, लेकिन थोड़ा कम रन रेट होने की वजह से वो दूसरे स्थान पर है। यूपी वॉरियर्स की टीम तीसरे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चौथे और गुजरात टाइटंस की टीम 5वें नंबर पर है। WPL के 10वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट को 25 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच 163 रन बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद उसने आसानी से मैच जीत लिया। इस जीत में अहम भूमिका राधा यादव की रही, जिन्होंने मैच के बाद बेहद दिलचस्प खुलासा किया। गौरतलब है कि दिल्ली कैपिटल्स वीमेन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। टूर्नामेंट में अब तक सभी टीमों ने 4-4 लीग मैच खेल लिए हैं। दिल्ली और मुंबई की टीमों ने अब तक 3-3 मैच जीती। हालांकि बेहतर नेट रन रेट के चलते दिल्ली अव्वल नंबर पर है। तो ये खबर आपको कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और इस तरह की तमाम वीडियो के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।